अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बना सकूँगी बाजार से हैदराबादी आलू भिंडी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू लिए हैं 3 अदद, इनको हमने जो है इस तरीके से जो है चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने भिंडी ली है 1 पाव और इनको भी हमने इस तरीके से देखें कट कर लिया है। 1 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून हमने पीसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1 अदद टमाटर है मीडियम साइज़ के, इनको भी हमने चॉप कर लिया। और नमक लेंगे हसब ज़रूरत। तो हमने 1/2 कप जो है सरसों का जो है तेल ऐड किया है। आप चाहे तो नॉर्मल जो तेल होता है वो भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक जो है फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड करा है। इसके अंदर जो है अब हम भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडियों को जो है हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे भिंडियों को। तो ये देखिए हमारी भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है, इन्हें जो है अब हम निकाल लेंगे। तो हमने जो है 2 टेबल स्पून जो है ऑयल जो है इसके अंदर ऐड की। तो ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऑयल जो है ऐड जो है किया है। और अब इसके अंदर हम जो है आलूओं को ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आलू को भी जो है फ्राई कर लिया था 2 मिनट तक, इनको भी जो है हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टेबल स्पून जो है ऑयल है, इसके अंदर जो है अब हम प्याज ऐड करेंगे। फ्राई कर लेंगे हम प्याज को। इसके अंदर अब हम जो है जीरा ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और हमने जो है लहसुन भी लिए हैं 2 अदद, इनको हमने जो है चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको जो है मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी ऐड कर देंगे और फ्राई करेंगे। इसके अंदर जो है अब हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। हमने 10 मिनट तक जो है अच्छे से जो है भून लिया। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है कड़ी पत्ते लिए हैं, ये हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम आलू और भिंडी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और नमक ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत, मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए जो है हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने जो है 15 मिनट तक जो है इसे अच्छे से जो है पका लिया था। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे और काली मिर्च ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और रेडी है, ये सब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार सा हैदराबादी भिंडी आलू जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।